contribution, which is topic of man chemistry, chapter number 2. Okay? So I am going to tell you about the electronic configuration. Aaj jo topic hai woh electronic configuration. So first of all, what is electronic configuration? Electronic configuration is the distribution of electrons. Distribution of electrons. वहाँ पे distribution of electrons in the atom. किसी भी atom में electrons की distribution किस तरह हुई है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं electronic configuration. So electronic configuration का मतलब क्या है, मतलब कि electronic configuration electrons की distribution कैसे हुई है, वो आज हम इस topic में थोड़ा briefly discuss करेंगे, थोड़ा briefly देखेंगे electron की distribution कैसे हुई है यहाँ पे, ठीक है. आपको पता है किसी भी एटम का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो वो स्ट्रक्चर जो एटम का बनेगा वो लाइक दिस, एंड दिस इज राशन, ठीक है. आप लोगों को पता है कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई होती है, क्या चीज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन द शेल्स और एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स और एनर्जी लेवल्स, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, इन द एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल्स में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सो आपके पास जो शेल्स होते हैं अगर हम उनको देखें, ठीक है, तो फर्स्ट शेल जो हमारे पास होता है वो होता है कौन सा, के, सेकेंड शेल एल, थर्ड शेल एम, फोर्थ शेल एन, ठीक है, चार शेल होते हैं हमारे पास जो मेन शेल होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं शेल्स और एनर्जी लेवल्स और एनर्जी लेवल. जो आपके पास कितने होते हैं, फोर मेन शेल्स होते हैं, ठीक है. अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हुई है, किस तरह से हुई है, मतलब किस के शेल में कितने, एच शेल में कितने, एम में कितने, एन इलेक्ट्रॉन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए. तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, तो के शेल जो था आपके पास कौन सा होता है, फर्स्ट शेल, और उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अगर हम लोग बात करें एल शेल की, एल शेल में जो होता है वो सेकंड शेल होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास, एट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. उसके बाद रहते हैं आपके पास एम शेल, एम शेल में आपके पास थर्ड शेल से हम कहते हैं इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने, 18, और लास्ट शेल में एन शेल, ठीक है, फोर्थ शेल जो आपके पास होता है उसमें होते हैं जी 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. फर्स्ट शेल में K में 2, L में 8, M में 18 एंड N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स. अब इन शेल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गई, ठीक है. अब हर एक K, L, M और N शेल में इसमें होते हैं सब शेल्स, जिन्हें हम लोग सब एनर्जी लेवल्स या फिर सब शेल्स भी कहते हैं, ठीक है. अच्छा, जब हम कहते हैं जी सब शेल्स और सब एनर्जी लेवल्स, तो सब एनर्जी लेवल जो हमारे पास होते हैं वो भी हमारे पास फोर होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ, ठीक है, इनको हम लोगों ने नाम दिए होंगे कौन कौन से, एस पी डी एंड एफ, दीज आर फोर सब शेल्स, दीज आर शेल्स एंड दीज आर फोर सब शेल्स, सब शेल्स आर प्रेजेंट इन द शेल्स, ठीक है. सब शेल्स जो होते हैं वो शेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन सब शेल्स के अंदर, ठीक है. यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहे होते, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं एस पी डी एफ इन शेल्स में, इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं. अब ये सब शेल्स में देखते हैं कि सब शेल्स कहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट हुए होते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा जो मेन शेल है वो क्या है, के शेल. तो के शेल को, के शेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अगर एस में देखा जाए, एस में टोटल जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं वो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. P में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, G में ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड F में ओनली 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक होगी बात. अब देखेंगे कि K में कितने सब शेल्स हैं, L में कितने सब शेल्स हैं, M में कितने हैं और N में कितने सब शेल्स हैं. अगर सबसे पहले बात करें हम लोग K की, तो K शेल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल होता है, इसे हम कहते हैं
ठीक है, सपोज एक ही सब शेल होता है तीन शेल में, ठीक है, एस, और एस में आप लोगों को पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और मतलब उसी मतलब कि के में सिर्फ एल शेल है तो के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर बात करें एल की, ठीक है, एल शेल में आपके पास होते हैं दो सब शेल एस एंड पी, तो आपको पता है एस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टू इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, ठीक है, पेन पी में कितने होते हैं सिक्स, तो टोटल एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्यों, बिकॉज एस में दो इलेक्ट्रॉन हैं, पी में सिक्स इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल कितने हो गए हमारे पास, एट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो आपको पता है कि एल शेल में कितने होते हैं, एट इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी तीसरा शेल, जिसको कहते हैं एम, एम में आपके पास तीन सब शेल होते हैं एस पी डी, ठीक है, एस पी एंड डी, जैसा कि आपको पता है एस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, टू इलेक्ट्रॉन, पी में सिक्स और डी में 10, ठीक है, तो टोटल कितने हुए एम शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 18, क्लियर होगी बात। उसके बाद हमारे पास लास्ट शेल आ जाता है एन, एन में आपके पास जो होते हैं वो फोर सब शेल होते हैं, ठीक है, जैसे एस पी डी एंड एफ भी होते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको पता है एस सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन, पी में सिक्स इलेक्ट्रॉन, जी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने हुए 2 एंड 6 8 एंड 10 18 एंड 14 कितने हुए टोटल 32, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन जी, और द इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एटम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन दी सब शेल्स नॉट शेल्स, ठीक है, फोर मेन शेल्स होते हैं ए एल एम एंड एन, ठीक है, जी आपके पास फर्स्ट शेल ए, सेकंड शेल एल, थर्ड शेल एम एंड फोर्थ शेल एन, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स में फर्स्ट शेल में 2, ठीक है, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और एन में मतलब फोर में 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक होगी बात। और उसके बाद से अब हम लोग देखेंगे सब शेल की बात आती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो सही कंफिगरेशन है वो यहाँ पे इन सब शेल में होती है, फोर सब शेल है एस पी डी एंड एफ, और के में एक ही सब शेल होता है, एल में तीन सब शेल, दो सब शेल होते हैं, एम में तीन सब शेल और एन में फोर सब शेल, ये इनकी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है, ये तो आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।